अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी डील्स पीपीएल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राणा अथर। आज मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आई थिंक बहरिया टाउन कराची का सबसे जल्दी आबाद होने वाला प्रोजेक्ट है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बखूबी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन एक ही सुपर मार्केट की, एक ही सुपर मार्केट जो कि आज से कुछ 6 माह पीछे हम चले जाएँ तो यहाँ पर एक ही बिल्डर्स की जानब से जो है वो कस्टमर्स को पोजेशन अनाउंस कर दिया गया था। और आप 6 महीने पहले की जो हमारी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुई हैं आप वो उठा के देख सकते हैं, और आज मैं जो मार्च 2024 में आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको जो है वो हम वहाँ का ऑन साइट जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वहाँ का टूर भी देंगे, हम कुछ इंटरव्यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह एक सुपर मार्केट में जो कस्टमर्स वहाँ पर शॉप्स ऑपरेशनल कर चुके हैं, वहाँ पर जो कारोबारी अफराद जो वहाँ पर आ चुके हैं, हम इंशाल्लाह उनका फीडबैक भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। वंस अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही सुपर मार्केट अगर देखा जाए तो मेन गेट से भी बिल्कुल मतलब डिस्टेंस वाइज भी करीब है। फिर मुनफरिद मैंने इस वजह से इस प्रोजेक्ट को कहा क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज पर मुश्तमिल है, मतलब इसमें मैं आपकी बात चलूँ कि लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, ये 4 फ्लोर पर मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है और बहरिया टाउन कराची के अंदर आबाद होने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट है। आज अगर आप वहां पर जाके देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मेरा अंदाज़ा गलत नहीं होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर कुछ 100 के लगभग जो शॉप्स हैं वो इस टाइम ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिसमें से वहां पर ब्रांड्स भी आ चुके हैं जैसे कि बाटा सर्विस, मतलब और भी काफ़ी ब्रांड्स वहां पर आ चुके हैं और लोग अपना हर तरह का कारोबार वहाँ पर मूव कर रहे हैं और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लोगों को मिल रहा है। क्योंकि हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी बहरिया टाउन कराची के अंदर, मुझे भी तकरीबन 5 साल हो गए हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर रहते हुए, स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही थे कि कोई भी चीज़ लेनी पड़ती तो हमें कराची के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची के अंदर से आपको हर चीज़ जो है वो आपको मुहैया की जा रही है, आप यहाँ से हर चीज़ परचेज कर रहे हैं एक ही सुपर मार्केट के अंदर से। रेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो आज से 1.5-2 साल पहले जिन लोगों ने बाइंग की थी एक ही सुपर मार्केट के अंदर उस टाइम रेट्स कुछ और थे, लेकिन आज आपको बड़े ही रिजनेबल रेट्स के ऊपर आपको एक ही सुपर मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। साइज़ बड़े फ्लेक्सिबल हैं, आपको मिनिमम जो है वो 150 स्क्वायर फीट से लेके आपको 366 स्क्वायर फीट तक आपको वहाँ पर साइजेस मिल जाते हैं जिसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर मौजूद हैं। अगर आप अपनी शॉप बाय करना चाह रहे हैं तो बड़े ही रिजनेबल रेट्स हैं, बड़ी अच्छी मार्केट है इस टाइम, बड़ा अच्छा टाइम है इस टाइम इन्वेस्टमेंट का, आप इस टाइम वहां पर शॉप लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। और अगर आप अपना फौरन कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप अपनी शॉप बाय नहीं कर सकते तो वहाँ पर आप रेंट पर भी शॉप लेकर अपना वहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रेंट की बात करूँ तो आपको तकरीबन से रेंट स्टार्ट होके आपको कुछ 40-45 हज़ार तक आपको जिसमें आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर की शॉप साइज वाइज आपको जो है ना वहाँ पर इजीली आपको वहाँ पर शॉप्स मिल जाती हैं बड़े ही आसान रेंट के ऊपर, और वहाँ पर कस्टमर्स का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पिछले 19 के अपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सामने हैं, 26 टावर्स हैं, फिर इकबाल और कायद विलास की जो आबादी है वो भी बिल्कुल नज़दीक है, पेशेंट 1 है, मतलब सराउंडिंग्स में ये सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि आई थिंक 100% जो है वो ऑक्यूपाइड हैं। तो एक ही सुपर मार्केट को फुटफॉल ज़्यादा इसलिए भी मिल रहा है कि बिल्कुल उसके फेस पे जो है वो इम्तियाज़ मेगा मॉल जैसा एक मेगा प्रोजेक्ट है उसके सामने है बिल्कुल, तो मतलब उसकी वजह से जो है वो एक ही सुपर मार्केट को ज़्यादा फुटफॉल मिल रहा है। तो आप भी देर मत करें, बहुत अच्छा मौका है, आप भी एक ही सुपर मार्केट के अंदर अपनी शॉप बाय कर सकते हैं। अगर रेंट पे भी शॉप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप जो है वो रब्ता करके टोटल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।